नमस्कार, मैं अंजलि पासवान और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया। गांव की गूंज दिल्ली तक। आज की खबर, नहीं रहे कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम, एम्स में ली अंतिम सांस। सुखराम 7 मई से दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर थे। डॉक्टरों के मुताबिक सुखराम को 4 मई को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। पंडित सुखराम के करियर की शुरुआत बतौर सरकारी कर्मचारी पर हुई। उन्होंने 1953 में नगर पालिका मंडी में बतौर सचिव अपनी सेवाएं दी थी। इसके बाद 1962 में मंडी सदर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1967 में इन्हें कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला और वे एक बार फिर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पंडित सुखराम शर्मा का 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सुखराम 7 मई से दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर थे। डॉक्टरों के मुताबिक सुखराम को 4 मई को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। पहले उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स लाया गया। सुखराम के पोते आश्चर्य शर्मा ने मंगलवार देर रात फेसबुक पर पोस्ट करके लिखा, अलविदा दादा, अब नहीं बजेगी फोन की घंटी। संचार क्रांति का जनक माना जाता था। सुबह 11 बजे पंडित सुखराम की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए मंडी शहर के ऐतिहासिक सैरी मंच पर रखा जाएगा। उनका अंतिम संस्कार हनुमान घाट स्थित शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ हो। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना।